श्रीमद् भागवतम 47वां अध्याय श्लोक नंबर 28। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी के द्वारा गोपियों संदेश। श्रूयतां प्रिय सन्देशो भवतीनां सुखावहम् यमादाया गतो भद्रा मां भर्तु रहस्करम्। श्रूयतां प्रिय सन्देशो भवतीनां सुखावहम् यमादाय गतो भद्रा अहं भर्तुरः शरः। श्रूयतां प्रिय सन्देशो भवतीनां सुखावहम् यमादाय गतो भद्रा अहं भर्तु यशस्करा। उद्धव जी ने कहा, श्रूयताम प्रिय संदेश, ये गोपियां आप लोग ध्यान से श्रवण करें। क्या श्रवण करना है? प्रिय संदेश, आपके जो प्रीतम है, प्रियतम श्री कृष्ण, उनका संदेश श्रवण करें। उन्होंने आप लोगों के लिए क्या कह भेजा है, क्या कह के भेजा है, क्या बोला है आप लोगों के लिए, उसको ध्यान से सुनिए। श्रूयताम प्रिय संदेश, वो संदेश आप लोगों के लिए बहुत प्रिय होगा। प्रिय संदेश भवती नाम सुखावह, ये जो संदेश है वो आप लोग के लिए, भवती नाम मतलब आप लोग के लिए कैसा सुखावह, बड़ा सुख प्रदान वाला, आप लोग को बहुत सुख प्रदान वाला करने वाला ये संदेश है। उद्धव जी ने आइडिया किया कि ये जो संदेश है जो कृष्ण का, अगर गोपियां सुनेंगी तो उनको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, बहुत सांत्वना मिलेगी। कि उद्धव को कॉन्फिडेंस है तो अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहे उद्धव जी कि भवती राम सुखावह, ये श्री कृष्ण ने आप सबके लिए संदेश भेजा है, तो ये संदेश बहुत सुखावह, सुख लाने वाला, आवह मतलब लाने वाला, सुख लाने वाला है आपके जीवन में। यम आदाय गतो भद्रा अहम भर्तृ रहस्य। जम आदाय आगतो, मैं उस संदेश को लेकर के आया हूं, मैं यहाँ पर श्री कृष्ण का संदेश को लेकर के आया हूं। तो जो गोपियों के मन में सवाल था कि उद्धव जी क्यों आए हैं वृंदावन, उसका उत्तर उद्धव जी यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे गोपियां बोल रही थी कि हो सकता है आप केवल नंद महाराज को मिलने आए होंगे, हम लोग से क्या मतलब है कृष्ण को, ये सब जो गोपियां ने कल्पना की थी, उसका उत्तर में उद्धव जी बोल रहे हैं कि केवल ये संदेश मैं लेकर के आप लोग का, इसलिए मैं वृंदावन आया, मेरा वृंदावन आने का उद्देश्य ही है संदेश के लिए, आप लोग को सुनाने के लिए, संदेश के लिए मेरे को भेजा गया है। मेरा आने का मकसद ही है आप लोग के लिए आया, मैं और किसी के लिए नहीं आया। जब आदाय आगतो तो भद्रा, तो गोपियों को भद्रा कहा, भद्रा, और दूसरे जगह कल्याणी कहा गया, कल्याण मंगलमय, कल्याणमय भद्र। अहम भर्तु रहस्य कर, मैं मेरे स्वामी का दूत हूं, मैं स्वामी का संदेश लाया हूँ। भर्तु मतलब स्वामी, कृष्ण मेरे स्वामी हैं,
मैं कृष्ण का दूत हूं, और कैसा दूत हूं? रहस्य कर मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल, पीए, पर्सनल असिस्टेंट, बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट। बहुत रहस्य मतलब दास तो बहुत होते हैं, सेवक तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ सेवक ऐसे होते हैं जो बहुत अंतरंग से, जो अपने स्वामी की बहुत सीक्रेट सेवा करते हैं, वो सीक्रेट सब जानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बॉस का, अपने स्वामी का, अपने मालिक का सब सीक्रेट जानते हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। किसी ने बटन दबा दिया ट्रांसक्राइब का, कोई ना कोई प्रॉब्लम। अहम भर तो यशस कर नहीं, रहस्य कर मतलब रहस्यमय रहस्यमय जो रहस्य की बातों को जानने वाला मैं सेवक हूँ, सीक्रेट को जानने वाला, सीक्रेट को बताने वाला मैं सेवक, मैं ऐसे सेवक। ये था इस श्लोक का अनुवाद। अभी श्लोक के ऊपर हम थोड़ा टीका भी देख लेते हैं चक्रवर्ती ठाकुर का। तो इस श्लोक का कॉमेंट्री अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो अभी देखिए बहुत ही, क्या बोलते हैं, बहुत ही सस्पेंस, बहुत ही एक उत्सुकता वाला सब्जेक्ट आया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए कोई संदेश भेजा है, कुछ पत्र भेजा है। जैसे गांव में आगे के जमाने में कोई पत्र आता था, कोई विदेश गया हुआ है, दूर देश में गया है, शहर में गया है, उस समय फोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, ईमेल नहीं था, तो महीने में एक बार चिट्ठी आता था। मतलब चिट्ठी को जाने में 15 दिन लगता था, वहां से आने में 15 दिन। तो महीने में एक बार चिट्ठी आता था, तो जब चिट्ठी आता तो कितना सब काम छोड़ के चिट्ठी को लेके बैठते थे, 5-10 जन घेर के बैठते थे, और एक जन पढ़ता था, सब लोग बड़े चाव से चिट्ठी सुनते। वो तो साधारण भौतिक लोगों की बात है। यहाँ पर गोपियां जो कृष्ण प्रेम के विरह में डूबी हुई है, उनको बहुत महीनों के बाद, 3-4 महीने के बाद, मतलब मथुरा से श्री कृष्ण ने एक संदेश वाहक भेजा है, और कुछ चिट्ठी भेजा है, कुछ संदेश भेजा है लिख के।
वो संदेश कितना गोपियां आकांक्षा से सुन रही है, और कृष्ण कैसे क्या बता रहे हैं। बहुत ही सीरियस बात है, बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक इसको कहा जाएगा, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर अपने हृदय का प्रेम, अपना जो मर्म है, वो अपने अत्यंत प्रिय बुद्धिमान शिष्य भक्त उद्धव जी के द्वारा एक संदेश भेजा है गोपियों को। इतना 3 महीने का जो उनका विरह का दुख है, उसको सांत्वना देने के लिए, उसको प्रकाश करने के लिए कृष्ण लिख के कुछ भेज रहे हैं, और अपना भाव प्रकट करने के लिए भेज रहे हैं कि वो लोग गलत नहीं समझे। तो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ये जो है, तो ये याद रखना चाहिए, ये श्लोक याद रखना चाहिए जो कृष्ण गोपियों को भेजे मैसेज। आइए पढ़ते 29 श्लोक नंबर। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाच, मतलब उद्धव जी गोपियों को बोल रहे थे, और बीच में आ गया श्री भगवान वाच, साक्षात कृष्ण बोल रहे, उद्धव जी नहीं बोल रहे, कृष्ण बोल रहे। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना यथा भूतानि भूतेषु हम वाग्निर्जलम् वही तथा हम च मन प्राण भवती नाम योगो में नहीं सर्वात्मना प्रचे यथा भूतानि भूतेषु हम वाय्वग्ने जलं मही तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय भवती नाम योगो में नहीं सर्वात्मना यथा भूतानि भूतेषु हम वाग्निर्जलं मयि तथा च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। कृष्ण कहते हैं भवती नाम, भवती मतलब भवती शब्द का व्यवहार होता है, जैसे हम लोग हिंदी में किसी को तुम कहते हैं और आप कहते हैं, तुम और आप मतलब आपनी, हाँ तुम ही और आपनी में जैसे डिफरेंस होता है, तुम और आप, इसी प्रकार संस्कृत में त्वम और भवान होता है, त्वम और भवान, भवान मतलब आप, और गोपियों को कृष्ण मतलब भवती, आप, तुम छोड़ के आप बोले, प्रत्येक गोपियों को सब सम्मान सूचक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सम्मान सूचक शब्द, अपना रा तुमरा बोलेंगे, तुम लोग बोल सकते, तुम गोपियां ऐसे नहीं बोले, आप सब गोपियां, भवती शब्द बहुत ही सम्मान सूचक है, जनरली जनरली बातचीत में यूज नहीं होता है, बहुत ही कम व्यवहार होता है इस शब्द, बहुत सम्मान सूचक शब्द है, बोले भवती नाम आपसे, आप सबसे मेरा वियोग, वियोग कभी नहीं है, कृष्ण बोलते हैं कि आप सबसे मेरा वियोग कभी नहीं होता है। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, कभी भी मेरा आप सबसे वियोग नहीं है, ये वियोग आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेरा आप सबसे वियोग नहीं होता है,
मैं आप सबके साथ में ही हूं। तो कृष्ण उदाहरण देते, यथा भूतानि भूतेषु कम वायु अग्नि जलम मही, कम वायु अग्नि जलम मही, पंचभूत का नाम है। पंचभूत का नाम सब लोग जानते हैं, गीता में भी है ना, कृष्ण सातवें अध्याय में 4 नंबर श्लोक में, मेरा अपनलो वायु खम मनोबुद्धि रे बच। पंचभूत क्या है? खम वायु अग्नि जल मही। खम मतलब आकाश, वायु वायु मतलब वायु, अग्नि मतलब अग्नि, जल मतलब जल, मही मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत। जिस प्रकार पंचभूत सारे सब चीजों में पंचभूत जिस प्रकार व्याप्त रहते हैं, आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वायु सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, जल सर्वत्र है, पृथ्वी सर्वत्र है, इसी प्रकार मैं भी सर्वत्र हूं। यथा भूतानि भूतेषु, भूतानि भूतेषु, भूतानि भूतेषु का मतलब है पंचभूत दो बार क्यों आया, भूतानि और भूतेषु। भूतानि मतलब हो गया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भूतेषु मतलब हो गया ये सब जो जिनिस पत्र है, टेबल, तो ये टेबल है, ये टेबल भूतेषु हो गया और पृथ्वी भूतानि हो गया, तो पृथ्वी टेबल में है कि नहीं? पानी के ग्लास में, जो ग्लास में पानी है और समुन्द्र में पानी है, तो जो जल है, जो जल पदार्थ है वो सर्वत्र है, जितना भी जल है उसमें वो जल पदार्थ है। आकाश है, बाहर भी है और मटके में भी, घड़े में भी जो आकाश है उसमें भी वही आकाश, आकाश सर्वत्र है। इसी प्रकार परमात्मा सब आत्मा में है, समझ गए? इसी प्रकार परमात्मा सब आत्मा में है, जैसे जल सब जल में है, वायु सब वायु में है, आकाश सब आकाश में, पृथ्वी सब पृथ्वी के, मिट्टी के बने हुए सब पात्रों में पृथ्वी है। इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि मैं भी इसी प्रकार, तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय, इसी प्रकार मैं भी सबका आश्रय हूँ। आपका मन का आश्रय भी मैं हूँ, आपके मन में भी मैं हूं, आपके प्राणों में भी मैं हूं, आपके पंचभूतों में भी मैं हूं, आपकी इंद्रियों में भी मैं हूं, मतलब आपका पूरा अस्तित्व ही मेरे में ही है, मेरे सिवा आपका कुछ है नहीं। ये कृष्ण बोल, इस प्रकार पंचभूत के सिवा इस जगत में कुछ नहीं है, सब कुछ पंचभूत को आश्रय कर रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को सब कुछ आश्रय किया हुआ है। इसी प्रकार हे गोपियां, आपका पूरा अस्तित्व ही मेरे में है, मेरे सिवाय आप लोग नहीं हो। ये थोड़ा ज्ञान का बात हो गया है ना, ये तो ज्ञान से बुद्धि से समझने का बात हो गया। तो अब देखते इसको कैसे व्याख्या करते हैं हमारे आचार्य। श्री कृष्ण ने अपनी पत्रिका में कहा, पत्रिका मतलब एक पत्रिका लिखा है, इसलिए लिखा है पत्रिका में, भगवान ने लिख के पत्रिका दी, प्रेम पत्र दी। जी गोस्वामी का अच्छा, जी गोस्वामी 3 अलग अलग अर्थ देते हैं। अस्य प्रथमो अर्थस्तेवम्, ये मया सह भवती नाम वियोगो क्वचिदपि नहि स्यात्, तत्रेतु सर्वात्मना सर्वेषाम आत्मना उपादान रूपेण अंतर्यामी रूपेण च इति। तो जी गोस्वामी 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है
मैं सब चीजों का अंतर्यामी परमात्मा हूं। कृष्ण सब चीजों के अंतर्यामी परमात्मा है, गोपियों के अंतर्यामी है, गोपियों के शरीर के अंतर्यामी है, कण कण के परमात्मा है। इसलिए गोपियों से अलग कभी कृष्ण हो नहीं सकते। कृष्ण गोपियों से कहे, संसार के हर कण कण में कृष्ण है, अणु परमाणु में कृष्ण है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें कृष्ण नहीं है। तो इस प्रकार से पहला हो गया, कृष्ण तो परमात्मा रूप में सर्वत्र है, इसलिए गोपियों से कभी कृष्ण अलग हो ही नहीं सकते, पहला हो गया। दूसरा अर्थ, सर्वत्रैव बहिरन्तश्च सदा मत्स्फूर्ति सर्वात्मना स्वर सर्व प्रयत्न सर्वथा एव मया सह वियोगो न अस्ति इति। दूसरा कारण बताते हैं जी गोस्वामी जी, दूसरा अर्थ ये हुआ कि गोपियों को बाहर और अंदर सर्वत्र कृष्ण ही दिख रहे हैं, सर्वत्र कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। बाहर में जहां देखती है वहां उनको कृष्ण दिखते हैं, आंख बंद करते तो अंदर में कृष्ण दिखते हैं, और आंख खोलने से बाहर कृष्ण दिख रहे हैं। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि आप लोग से मेरा वियोग किसी भी प्रकार से कभी भी हो ही नहीं सकता। भवती नाम वियोगो में सर्वात्मना क्वचित, मेरे साथ आप लोग का वियोग कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अगर आंख खोलेंगे तो बाहर में आपको कृष्ण दिख रहे हैं, आंख बंद करने से हृदय में कृष्ण दिख रहे हैं। तो अगर आप चात प्रयास भी करेंगी, गोपियां अगर प्रयास भी करती है तो भी कृष्ण को वो अवॉइड नहीं कर पा रही है गोपियां। अगर वो चाहते भी हैं तो भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती है। ये दूसरा अर्थ, भवती नाम योगो में नैव सर्वात्मना क्वचित। इसका उदाहरण देखिए बोल रहे हैं, जिस प्रकार तत्रा महासवियोगो नास्ति तदेव दृष्टांतमा यथा तत्र अहमपि भवति नाम मन आदिनी, आप लोग का मन भी मैं हूँ, गुणा शोषलादय मन आदि नाम गुण वृत्ति एवं आश्रय यश स तेषामेव आश्रय रूपो वा तथा भूतो अहम तत्र तत्र सदा वसन परिष्कुरामि इत्यर्थ। तो मैं आप वो नीचे के लाइन में लिखा है ना कि यथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिया गुणाश्रय, मैं आश्रय हूं। किसका आश्रय? आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपके गुण सबका आश्रय मैं हूं। आपके मन का आश्रय मैं हूं, आपकी इंद्रियों का आश्रय मैं हूं, आपके जो सद्गुण है उनका आश्रय मैं हूं। इसलिए मैं सबका आश्रय हूं, आश्रय रूप आपके सब कुछ का आश्रय भूत हो। इसलिए मैं आपका वो सब जगह मैं स्फुरन करता हूं, अपने आप को स्फूर्ति करता रहता हूं, आपके मन में, आपकी इंद्रियों में, आपके गुणों में, सर्वत्र मेरी स्फूर्ति प्रकाश होती रहती है। इसलिए आप मेरे से अलग कभी नहीं हो सकते। दूसरा अर्थ है, तो ये ध्यान से सुनिएगा, मैं बाद में पूछूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तीसरा तृतीय, सर्वात्मना सर्वेण प्रकाशना वियोगो नास्ति भवित भवती नाम वियोगो में नैव सर्वात्मना क्वचित। इस श्लोक में नहीं सर्वात्मना क्वचित, सर्वात्मना, सर्वात्मना का अलग अलग अर्थ किया जा रहा है। पहला सर्वात्मना का अर्थ था कि मैं परमात्मा रूप में सर्वत्र हूं, इसलिए मेरा वियोग नहीं होगा। दूसरा अर्थ था कि मैं आपके मन इंद्रिय सबका आश्रय हूं,
इसलिए वहां मेरी स्फूर्ति हो रही है। इसलिए मेरा भी तीसरा अर्थ कह रहे हैं सर्वात्मना सर्वेण प्रकाशन, सब प्रकार से मेरा वियोग नहीं हो सकता है, सब प्रकाश से मेरा वियोग नहीं होगा, कुछ प्रकाश से सर्वेण प्रकाश से ना वियोग नास्ति। मेरे जितने भी प्रकाश है सर्व प्रकाश, वो सब प्रकाशों से आपका वियोग नहीं हो सकता है, ये अर्थ है। किंतु किंतु एक मान है ना प्रापंचिक लोक प्रकट प्रकाश ही नहीं बस सांप्रतम वियोग। बहुत अच्छा, ये मेरे मन में भी यही आ रहा था बहुत दिन से, ये अर्थ मैं सोच रहा था, वही अर्थ आया जिन क्वेश्चन का, तीसरा अर्थ यही आया जो मैं सोच रहा था, मेरे मन में यही है। श्लोक पढ़ के ऐसा ही मन में आया कि नहीं सर्वात्मना क्वचित, सब प्रकार से मेरा आपका वियोग नहीं हो सकता है, सब प्रकार से नहीं हो सकता मतलब एक प्रकार से वियोग हो सकता है लेकिन सब प्रकार से नहीं। तो एक प्रकार से कौन सा? तो अभी जो पृथ्वी में प्रपंचिक, ये प्रपंचिक जो जड़ जगत है, भौम लीला है, उस भौम लीला में जो प्रकट लीला हो रही है, उस प्रकट लीला में जो प्रकट मेरा प्रकाश है, उसमें आप लोग का वियोग का अनुभव हो रहा है, उसमें वियोग होगा। बाकी उसके अलावा जो मेरा दूसरा जो अप्रकट लीला चल रहा है, अन्य न तो अप्रकट प्रकाश है न तो संयोग, उसमें हमारा मिलन नित्य हो रहा है। कथम तत्रह, कैसे आपका कैसे मिलन हो रहा है अप्रकट अवस्था में? तो उसका कहते हैं यथा जिस प्रकार खादिनी भूतानि स्वस्व कार्येषु बाह्यादिषु अप्रकट प्रकाशेन वर्तन्ते, जिस प्रकार आकाश वायु में अप्रकट रूप से रहता है तथा अहम च तत्र तत्र वर्त इति अर्थ, इस प्रकार मैं भी सब जगह वर्तमान रहता हूं। किम आकार तत्रा, आप कैसे रहते हैं? तो कहते उत्तर में भवति नाम बुद्धि आदि आश्रय आकार, आप लोग की जो बुद्धि है उसका मैं आश्रय हूं। श्याम सुंदर वेणु विलासी रूप एव सन इत्यर्थ, बुद्ध्याद्याश्रयाकार मैं भी आपके मन आदि में अप्रकट रूप से रहता हूं। किस आकार में या रूप में रहता हूं? उत्तर, आपकी बुद्धि आदि का आश्रय लेकर। ओके, आप लोग की बुद्धि और मन का आश्रय लेकर के उसमें मैं श्याम सुंदर रूप में रहता हूं। ओके, तो इस श्लोक का जीव गोस्वामी के अनुसार तीन अर्थ हुआ। पहले तो श्लोक समझिए, पहले श्लोक कुछ सुनिए समझिए, फिर हम उसका अर्थ निकलेंगे। श्लोक क्या है? भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, ये एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, पहला लाइन। ये गोपियां आप सबसे मेरा विरह वियोग सर्व सब प्रकार से कभी भी नहीं हो सकता, अर्थ आप सबसे मेरा जो विरह है वियोग है सर्वात्मना सर्वतो प्रकार से नहीं हो सकता है, सर्वात्मना नहीं हो सकता है। इसका पहला अर्थ ये हुआ। तो उदाहरण क्या है? जिस प्रकार आकाश वायु में रहता है, वायु अग्नि में रहता है, अग्नि पानी में रहता है, पानी पृथ्वी में रहता है, जैसे पंच महाभूत एक दूसरे में समाये रहते हैं, इसी प्रकार मैं भी आप लोग के मन में इंद्रियों में बुद्धि में सर्वत्र व्याप्त, आपका पूरा अस्तित्व मेरे में है, मैं परमात्मा रूप में हूं, तो आप मेरे अंदर में ही हैं, मेरे से अलग आप नहीं हो सकते, मैं भी आपसे अलग नहीं हो सकता।
पहला अर्थवा, ठीक है ना, इसको कहते हैं परमात्मा रूप में, भगवान अंतर्यामी रूप में है। दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ ये हुआ कि भवति नाम योग में नैव सर्वात्मना क्वचित। अर्थ है कि आप लोग से मेरा वियोग, सर्वात्मना का अर्थ यहाँ किया जाएगा कि सब प्रकार से, क्वचित मतलब कभी भी संभव नहीं, आप लोग से मेरा विरह कभी भी संभव, किसी भी प्रकार से मेरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपका बाहर और अंदर जहां पर भी आप देखेंगे वहां पर आपकी मेरी स्फूर्ति होगी, श्री कृष्ण का रूप उनको सर्वत्र दिखेगा। बाहर भी आंख खोलेंगे तो कृष्ण दिख रहे हैं और आंख बंद करेंगे तो अंदर भी कृष्ण दिखेंगे, सर्वत्र कृष्ण का स्फूर्ति हो रहा है। स्फूर्ति रूप में अगर विचार किया जाए तो बोले कि अगर आप प्रयत्न भी करेंगे, इसमें कहते हैं कि अगर आप प्रयत्न भी करेंगे तो भी मेरे से अलग नहीं हो सकते। दूसरा अर्थ में ये हो, सर्व प्रयत्न न सर्वा था एवं माया सब योगो नास्ति, सब प्रकार का प्रयत्न करके भी आप मेरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों अलग नहीं हो सकते? क्योंकि आपका जो मन है, मन आदिनी गुणा, आपका मन, आपके जो गुण है अच्छे अच्छे और सबका मैं आश्रय हूं, तेसा मेवा आश्रय रूप, आपके मन का, आपके गुणों का, आपकी इंद्रियों का मैं आश्रय हूं और वहां वहां मैं स्फुरित होता रहता, आपके मन में मैं स्फुरित होता रहता, आप लोगों के इंद्रियों में स्फुरित होता रहता हूँ, इसलिए मेरे से आप अलग कभी नहीं हो सकते। जैसे समझ लीजिए कि गोपियों की आंखों में कृष्ण का रूप बसा हुआ है, रूप और कृष्ण अभिन्न है, कृष्ण और कृष्ण का रूप अभिन्न है, इसलिए कृष्ण ही है, कृष्ण से अलग कैसे हो सकते हैं? अगर कृष्ण मन में, गोपियां मन आंख बंद करती तो मन में उनको कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण अभिन्न है, बाहर में कहीं देखते तो बाहर में भी कृष्ण दिख रहे हैं। ये दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ है कि नहीं सर्वात्मना क्वचित, मतलब सब प्रकार से आप लोग का मेरे मेरा वियोग नहीं है, सब प्रकार से वियोग नहीं, एक प्रकार से वियोग है और एक प्रकार से संयोग है। वियोग कौन से प्रकार से? जो पृथ्वी में जो प्रकट लीला है उसमें हम लोग का वियोग चल रहा है, प्रकट लीला में मैं मथुरा में, वो मैं मथुरा में हूँ और गोपियां वृंदावन, तो प्रकट लीला में अलग है, लेकिन अप्रकट लीला में कृष्ण वृंदावन में है। कैसे है? तो उसका अर्थ बोल रहे हैं, जिस प्रकार आकाश वायु में रहता है, वायु अग्नि में रहता है, ऐसे कृष्ण बोलते मैं आप लोग के मन में और बुद्धि में रहता हूँ हमेशा। किस रूप में रहते हैं? तो श्याम सुंदर रूप में, आपका मन का आश्रय लेकर के, आपका मन और बुद्धि का आश्रय लेकर के मैं वहां पर श्याम सुंदर रूप में प्रकट होता हूँ, अपने अपने कर्म आदि इसी प्रकार में आपके मन आदि का। अभी भी मैं आप लोग के साथ हूँ, अभी भी मैं आप लोग के साथ हूँ,
इसी रूप में मैं आपके साथ हूँ। ये था जो समय का दूसरा अर्थ। यहाँ पर जीव गोस्वा में कुछ एक्स्ट्रा तत्व को स्थापना कर रहे हैं आगे। कहते एतद् उत्तम भवति। यहाँ पर बोलना जरूरी है, जीव गोस्वामी बोल रहे कि यहाँ पर एक बात बोलना जरूरी है। वृंदावने मथुरायाम द्वारकायाम अपि नित्यैव तस्य स्थिति श्रूयते स्कान्दे। जीव गोस्वामी कह रहे हैं, ओके पहले मैं जो 3 पॉइंट बताया ये आप लोग समझे कि नहीं, इसको पहले समरी करके फिर वो जीव गोस्वामी का वो जो बहुत अच्छा एक क्लेरिफिकेशन है उसके अंदर पहले बाद में जाऊंगा। इतना समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार का प्रकाश जीव गोस्वामी ने बताया उसको थोड़ा हम समझ लेना चाहिए। भगवान बोले कि गोपियों से मेरा कभी भी वियोग नहीं होता है, तो वियोग नहीं होने का 3 कारण बताया। तो पहला कारण है परमात्मा रूप में किसी भी जीव, कोई भी जीव परमात्मा रूप में भगवान से अलग नहीं हो सकता है। तो पहला कारण अर्थ था परमात्मा। दूसरा अर्थ है स्फूर्ति रूप में कि गोपियां इतनी बड़ी भक्त है तो उनके स्फूर्ति में कृष्ण हमेशा विराज कर रहे हैं। तो स्फूर्ति वाला रूप एक अलग रूप होता है जो साक्षात नहीं होता है, स्वयं नहीं होता है, लेकिन स्फूर्ति मतलब भाव रूप में होता है। भाव रूप में जैसे अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो वहां कभी कभी स्फूर्ति होती है, बहुत भक्तों को होती है, वो स्फूर्ति एक रूप में दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है कि साक्षात कृष्ण बोलते कि मैं आप लोगों के मन में और बुद्धि में मैं श्याम सुंदर रूप में प्रकट होता हूँ, वो साक्षात रूप है तीसरा वर्ण। तो वो अप्रकट लीला में भगवान बता रहे हैं। तो इसको ही जीव गोस्वामी आगे इसी के बेस करके जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पर ये बोलना बहुत जरूरी है, एक तत्व की स्थापना करना जरूरी है। यहाँ पर एक श्लोक को बेस करके वो हम पढ़ते हैं। जी गोस्वामी एक तत्व की स्थापना करना चाह रहे हैं इस श्लोक को बेस करके भगवान की लीलाओं के बारे में। वो क्या है? जी गोस्वामी बोल रहे हैं कि वृंदावने मथुरायाम द्वारकायाम अपि नित्यैव तस्य स्थिति श्रूयते स्कांदे। वृंदावन में मथुरा में और द्वारका में कृष्ण की नित्य स्थिति सुनी जाती है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में लिखा है कृष्ण वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, मथुरा में भी कभी नहीं जाते हैं, मथुरा से कभी कृष्ण बाहर नहीं जाते हैं और द्वारका से भी कभी बाहर नहीं जाए। तीनों बात लिखी है। स्कंद पुराण में लिखा है कि मथुरा में हमेशा कृष्ण रहते हैं, वृंदावन में हमेशा कृष्ण रहते हैं, द्वारका में हमेशा रहते। तो पहला तो बात यह है, ये तो झूठा नहीं हो सकता है, इसको हमको सामने रख के आगे का चर्चा करना पड़ेगा। कृष्ण जब वृंदावन से कभी बाहर नहीं निकलते हैं, मथुरा से बाहर नहीं निकलते हैं, द्वारका से बाहर नहीं निकलते, ये पहला पॉइंट है। तो अब वृंदावन ये थे, वृंदावन की महिमा स्कंद पुराण में इस प्रकार लिखी गई है, पढ़ के सुना रहे हैं जी को समझ रहे हैं। तत्र वृंदावनम रम्यम वृंदा देवी समाश्रितम हरिणाधिष्ठितम चतच्च ब्रह्म रुद्रादिसेवितम। कहते हैं वृंदावन अति सुंदर जगह है, वृंदा देवी के द्वारा समाश्रितम, वृंदा देवी ने उस वृंदावन को बनाया है, वृंदा देवी के द्वारा आश्रित है। हरिणाधिष्ठितम च तत्, हरि वहां पर विराज करते हैं
और ब्रह्मा रुद्र उनकी सेवा करते वृंदावन। वत्से वत्स तरीभिश्च सदा क्रीडति माधव। उस वृंदावन धाम में माधव सदा सदा लिखा, सदा नित्य बछड़ों गायों को चराते रहते हैं। वृंदावनांतर्गत सरामो बालकेर व्रत। उस वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ हमेशा घिरे रहते हैं। ये हो गया, ये हो गया स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि वृंदावन नाम का एक धाम है जहाँ नित्य हरि विराज करते हैं, ब्रह्म रुद्रा जिनकी सेवा करते हैं, जहाँ नित्य माधव गाय बछड़े चराते हैं और बलराम और ग्वाल बालों से घिरे रहते हैं। अभी पद्म पुराण के पाताल खंड में देखते हैं वृंदावन की महिमा कैसे गाई। स्कंद पुराण का बताया पद्म पुराण। अहो भाग्यम लोकस्य ना पीता यमुना जलम गो गोप गोपिका संगे यत्र क्रीडति कंसहा यमुना जल कल्लोले सदा क्रीडति माधव। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है अहो अभाग्यम लोकानाम। उन मनुष्यों का कितना दुर्भाग्य है, वो मनुष्य कितने दुर्भाग्य हैं। कौन जो दुर्भाग्य मनुष्य कौन है, वो मनुष्य कितने दुर्भाग्य हैं जो कभी जिन्होंने जमुना पानी नहीं पिया, जिन्होंने जमुना का पानी नहीं पिया वो कितने दुर्भाग्य हैं। जो वृंदावन नहीं गए कभी, वृंदावन की जो रज रज है धूली है उसको जिन्होंने चखा नहीं है, रज की धूली से स्नान नहीं किया है, वृंदावन की जमुना का पानी जिसने आचमन नहीं किया है, वो कितने दुर्भाग्य हैं। क्यों वो गोप गोपिका संगे यत्र क्रीड़ति माधव। गाय ग्वाल बाल और गोपियों के साथ वहां नित्य श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हैं। यमुना जल कल्लोले सदा क्रीड़ति माधव। यमुना के जल में कल्लोल करते रहते माधव, हमेशा खेलते रहते यमुना के पानी में। उस यमुना का पानी ने जिन्होंने अभी तक पिया नहीं है, चखा नहीं है, वो कितने दुर्भाग्य हैं। ये वृंदावन की महिमा पद्म पुराण से बताई गई। तो समय हो चुका, 3 बज गया। अभी मैं, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कल आगे पढ़ेंगे। वृंदावन की महिमा, फिर मथुरा की महिमा, फिर द्वारका की महिमा, और तो देखेंगे तीनों धाम में भगवान की नित्य अवस्थिति शास्त्रों में बताई गई है। तो जी गोस्वामी बताएंगे कि इसका फिर समाधान कैसे किया जाए, कैसे हम बोलेंगे कि मथुरा में भी है, फिर यमुना वृंदावन में भी कृष्ण है, तो फिर गोपियां विरह का क्यों अनुभव कर रही है। ये सब बातों को जीव गोस्वामी स्थापना करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। अगर किसी को कोई प्रश्न हो, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, प्रश्न ठीक है देख। प्रभु, धन्यवाद। ओ माय गॉड।